तो भाई आज हम ऐसे 9 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत ज़रूरी है दिन में कंसिस्टेंटली अच्छी एनर्जी मेंटेन करना। लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर वन, गेट मोर स्लीप। यार सोना बहुत ज़रूरी है, आपको भी पता है। जिस दिन आप अच्छे से सोते हो ना, अगले दिन इतना रिफ्रेश्ड फील करते हो। नाउ आई अंडरस्टैंड कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा काम है, हमको कुछ उखाड़ना है, इतने सारे टास्क हैं, बट उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर हम हमारी स्लीप पे कट डाउन कर दें कि हाँ यार रात को पढ़ना है, 3 घंटे कम सो लेता हूँ, 4 घंटे ही सोऊंगा, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। बिकॉज अगले दिन जब आप सुबह उठोगे आपके एनर्जी लेवल्स लो फील करेंगे। अ गुड स्लीप कैन इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स, बूस्ट योर मूड, इतना ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आपको करना क्या है, तो एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाओ कि हाँ यार मुझे 10 से 6 सोना ही है, नो मैटर वॉट। इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट होएगा ना, वो आप अच्छे से करोगे, प्रोक्रास्टिनेट आप नहीं करोगे, अपने टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट करोगे और दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। पर्सनली मैं ये करता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, और इतना अच्छा शेड्यूल ये बना हुआ है ना, नेवर वॉन्ट टू ब्रेक इट। अगर आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो मुझे पता होता है कि हाँ यार आधा घंटा ऊपर नीचे ही हो रहा है, उससे ज़्यादा मैं नहीं होने देता हूँ। सेम टू यू, गेट मोर स्लीप, बहुत अच्छा फील करोगे। नंबर टू, रिड्यूस स्ट्रेस। यार माना बोलना बहुत इजी है कि भाई स्ट्रेस रिड्यूस कर ले, बट करना बहुत डिफिकल्ट। हमारी लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है, फैमिली होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं, ऑफिस का काम होता है, कभी ब्रेकअप हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे हमको स्ट्रेस आता है। बट यार अब स्ट्रेस से हम हमारी हेल्थ ख़राब कर ले, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होती है, ऐसा नहीं होने देना है हमको। जो जो चीज़ें हमको स्ट्रेस कॉज कर रही हैं उसको ढूंढो कि हाँ यार ये 2-3 चीज़ें हैं, एंड ट्राई टू रिड्यूस इट। बहुत बार होता है कि हम बस उसका जुगाड़ कर देते हैं कि हाँ यार एक बार हमने बस स्ट्रेस रिड्यूस कर दिया और वो कल वापस आ जाता है। जिस दिन आप बैठ रहे हो ना, मेक श्योर कि आप ऐसा प्लान करो कि मेरे को इसको मेरी लाइफ से एलिमिनेट ही कर देना है। माना कि एकदम से पूरा स्ट्रेस एलिमिनेट करना इज़ नॉट वेरी ईजी, बट आप ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई टू मेडिटेट, आप वॉक पे जा सकते हो, खुद सोलो टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत यू नो इट्स योर्स टू फिगर आउट कि हाँ मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ, मैं कैसे मेरे स्ट्रेस लेवल्स कर सकता हूँ। ऑल्सो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, जब आप सोओगे तभी आपके स्ट्रेस लेवल्स भी कम होंगे। सो एनीथिंग दैट यू कैन डू जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो, पक्का पक्का आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आपको बस अभी लग रहा होगा कि हाँ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट एक बार बैठो, देखो क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे कोई टास्क ज़्यादा है क्या, उसको कम करो, अपनी लाइफ से उस चीज़ को हटाने की कोशिश करो कि नहीं चाहिए भाई मुझे स्ट्रेस वाले काम, ये चीज़ मुझे लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर रही है, ये चीज़ मुझे रोक रही है, इसको फेंको, इसको आने दो। यप, ऑल द बेस्ट। नंबर थ्री, और मेरा फेवरेट, एक्सरसाइज करो, मूव करो यार, जितना मूव कर सकते हो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, वॉकिंग करो, वर्कआउट करो, जो आपको अच्छा लगता है करो, बट मूव करो। यस, डिजीजेस कम होंगे, ओबिसिटी में आपको हेल्प होगी, आप ऐसे मोटे नहीं होगे, फिट रहोगे, स्लीप क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी, मेंटली अच्छा फील करोगे, फिजिकली अच्छा फील करोगे, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। एंड लिख के दे सकता हूँ, जिस दिन आप सुबह उतर गए नीचे वर्कआउट के लिए या फिर आपने कुछ भी एक फिजिकल एक्टिविटी कर ली, बाय गॉड अच्छा फील करोगे, आपका आगे का दिन हंसता खेलता जाएगा, बहुत अच्छा फील करोगे। प्लीज़, इतना ज़्यादा हेल्प करेगा ना, इतना ज़्यादा हेल्प करेगा, करो यार इस चीज़ पे इन्वेस्ट करो अपना टाइम, आधा घंटा 1 घंटा लगाओ, मूव मूव मूव, जितना वॉक कर सकते हो पक्का कोशिश करना। नंबर फोर, स्मोकिंग। भाई अगर आपके एनर्जी लेवल्स कम हैं और आप फिर भी स्मोकिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ स्मोकिंग से मुझे वो हिट मिल रहा है, काम करने में एक ताकत मिल रही है, तो भैया बहुत ज़्यादा गलत फहमी में हो, ऐसा नहीं होता है। टेम्प्ररी हिट मिल जाता है, बट उस ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लंग्स में इतनी कम हवा जाती है, उसका क्या, लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट होएगा उसका क्या, आपको पता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल, सब कुछ पता है, बट छोड़नी नहीं है। बट जिस दिन आप 1 कम मारोगे या 2 कम मारोगे ना, उस दिन आपके एनर्जी लेवल्स देखना, बहुत अच्छा फील करोगे, आप फ्रेश फील करोगे, ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा होगा। पता है आपको ये बात, कोशिश करना छोड़ने की, नहीं तो कोशिश करो कि ट्रैक करो आपकी, हाँ 1 हफ्ते में मैंने 10 करी हैं, 15 करी हैं, 2 करी हैं, 5 करी हैं, और उसको 1-1 करके कम करो, बिलीव मी इट विल हेल्प। नहीं तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, किसी को बताओ कि भाई मुझे कम करनी है, तू प्लीज़ मेरे को ट्रैक करने में हेल्प कर, और आपकी हेल्प पक्का होगी। आपको करना पड़ेगा ट्राई टू क्विट स्मोकिंग, एंड नहीं ट्राई भी नहीं, करना ही है, करना ही है, कम ऑन गाइस। नंबर फाइव, भाई दारू पीना कम कर दो। कभी ऐसा हुआ है कि आप दारू पी के सो और अगले दिन एकदम एनर्जेटिक उठो कि हाँ या आप वर्कआउट करते हैं भाई और पूरे दिन आपका बढ़िया चले? नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्लीप क्वालिटी इनफैक्ट ख़राब होती है।
जो लोग पी के सो जाते हैं उनको लगता है कि हाँ यार आज बढ़िया नींद आएगी, बट नहीं, अगले दिन का क्या भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस जिंदगी भर मत पियो, कम करो, देख के पियो, दबा के बस गुड़क गुड़क मत जाओ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बहुत इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी को, बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे स्लीप को, हमारे माइंड को। प्लीज बी माइंडफुल, ये बात अपने दोस्त को भी बताना, भाई तू पी, मना नहीं बोल रहा हूँ, बट देख के पी, एक लिमिट में पी, ऐसा नहीं कि बस पी के लुढ़क गए, साथ में 15-20 ऐसे हमने खाने खा लिए, पूरा शुगर 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 खाते गए। नो, दैट शुड नॉट हैपन। प्लीज लिमिट करो यार, महीने में 2-3 बार, और कैलकुलेट भी करो, अकाउंटेबिलिटी रखो कि मैं कितनी बार कर रहा हूँ, तब आपको आइडिया रहेगा, यू विल बी अवेलेबल, आप कंट्रोल कर पाओगे अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने इनटेक को। नंबर 6, ईटिंग अ न्यूट्रिशियस डाइट। भाई हमारे इंडिया में एक चीज़ है कि या तो हम बहुत ही कम खाते हैं, स्किप कर देते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं कि हाँ भाई आज खाएंगे हम जंक फूड, आज खाएंगे हम पूड़ी भटूरे गोलगप्पे। बीच का कहाँ है भाई, बैलेंस कहाँ है? वेयर इज़ अ गुड डाइट, अ मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, जिसमें आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। बहुत बार होता है कि हम इतने प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं कि चिप्स भी ले लिया, साथ में एक लार्ज कोक ले ली, पॉपकॉर्न में बटर मसाले डलवा के खा लिए, भाई उसके बाद जो एनर्जी लेवल्स में वो होता है ना इम्बैलेंस, कि हाँ एक बार स्पाइक हो गए फिर एकदम से कम हो गए, उसमें बाजा बज जाता है शरीर का। जब खा रहे हो आप फील करो कि हाँ यार, जब आप खाओगे ना, जब न्यूट्रिशियस डाइट खाओगे अच्छा फील करोगे, बट जब आप कुछ एकदम प्रोसेस्ड फूड खाओगे ना, आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फील करोगे, बट उसके बाद नोटिस करना क्या होता है, एंड प्लीज़ एक्चुअली नोटिस करना, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है एक न्यूट्रिशियस डाइट या फिर एक बहुत ही जंक वाली डाइट, उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। नंबर 7, लिमिट एडिंग शुगर। आज भाई मैं चाय में 2 चम्मच शक्कर डालूंगा, आज भाई मैं 3-4 काजू की कतली खाऊंगा, बादाम की कतली खाऊंगा, और क्या क्या अलग अलग मिठाइयाँ खाने की हमारी रोज़ की इच्छा होती है कि चलो भाई आज शुगर खाएंगे। माना शुगर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है, बट जब ये हमारे शरीर में जाती है और ब्लड में इम्पैक्ट करती है, सडन राइज ऑफ यू नो एनर्जी होती है, बट जब वो कम होने लग जाता है ना, शरीर भाई एकदम सोने के मूड में आ जाता है, जब आप हाईली प्रोसेस्ड शुगर वाली चीज़ें खाते हो। लिमिट करो अपने शुगर इनटेक को, नहीं तो मोटे भी हो जाओगे, डिजीज़ भी आ जाएंगे, और अच्छा भी नहीं फील करोगे। पूरे दिन में शुगर वाले आइटम खाना इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। अपने शुगर को बैलेंस करना सीखो, अगर क्रेविंग हो भी रही है तो अच्छे से फ्रूट्स खाओ यार, अच्छे मीठे मीठे फ्रूट्स खाओ, ड्राइड फ्रूट्स खाओ, बेरीज खाओ, जुगाड़ करो कि हाँ यार ये भी तो मीठा है बट ये मेरी हेल्थ को तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, ढूंढो वो क्या है जो आपको पसंद आता है और उसको कंज्यूम करो, इंस्टेड की भाई चीनी डाली और ले हम खा गए, नॉट अ गुड आइडिया। नंबर 8, पानी पीना स्टार्ट करो। अच्छा दिखना है, अच्छा फील करना है, फ्री में कुछ कंज्यूम करना है तो पानी पियो। अगर आप मुझको देखोगे तो अभी मैं दिन में 5-6 लीटर पानी पी लेता हूँ, 2-3 ऑफिस में हो जाता है, 3 जिम में हो जाता है, और बाकी एक्स्ट्रा कहाँ होता है मुझे आइडिया नहीं है, बट इतना ज़्यादा पानी पीता हूँ और इतना ज़्यादा मज़ा आता है, पानी का एक अलग ही फील होता है, एक अलग ही मिठास होती है, एक अलग ही फ्रेशनेस होती है। कभी आप पानी रेगुलरली कंज्यूम करने की कोशिश करो और इतना अच्छा फील करोगे, आपका ब्रेन अच्छा वर्क करेगा, आपका बॉडी अच्छा वर्क करेगा, रेगुलरली जो मूवमेंट्स होंगे बहुत अच्छे होंगे। बहुत लोग हम पानी को नेग्लेक्ट करते हैं कि हाँ चलो पानी है, प्यास लग रही है, बाद में बुझा दूंगा, बट जब प्यास लगती है इमीडिएटली बुझाओ, फाइंड वाटर, बाहर 10-10 रुपये, 5-5 रुपये पानी मिल जाता है, पटाक करके पी लो, इतनी ज़्यादा हेल्प होएगी, इतना, अरे यार कसम से बहुत अच्छा फील करोगे। हम इस चीज़ को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, मत करो, जितना पानी पी सकते हो पियो, पूरा दिन पीते रहो, वाओ यार, इट्स गोना बी एपिकली अमेजिंग। जो डिहाइड्रेशन है वो हमको टायर्ड फील करवा सकती है, जब हम पानी नहीं पीते हम थोड़े टायर्ड फील करते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट इट हैपन्स। अगर आप देखोगे तो जो बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है, विराट कोहली वगैरह, वो ₹50,00,000 ₹50,000 की सिर्फ बॉटल्स खरीदते हैं कि हाँ चलो जिससे हमको पता चले हम कितना पानी पी रहे हैं, ट्रैक करते हैं वो कि हाँ आज मैंने इतना पानी पिया क्या, व्हाट वाज माय क्वालिटी ऑफ वाटर दैट आई टुक। नेचुरल चीज़ है यार, कंज्यूम करो। नंबर 9, कनेक्ट विथ मोर पीपल। और लोगों से मिलो और लोगों से बातें करो, बहुत अच्छा फील करोगे। बहुत बार होता है कि हम बहुत अकेले फील कर रहे होते हैं, कोई बात करने के लिए तब हमारा लो मूड हो जाता है, हमको यार अच्छा फील नहीं होता, उसकी वजह से एनर्जी लेवल्स भी कम हो जाते हैं, कुछ करने का ही मन नहीं करता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एफर्ट्स डालो, किसी से मिलने की कोशिश करो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो, कोई हॉबी ज्वाइन करने की कोशिश करो, अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश करो, बट देखो कि हाँ यार इससे मिल सकता हूँ, ये तो मेरे टाइप का बंदा है। आप मानोगे नहीं, कल मेरा एक दोस्त है चिराग, मैंने उसको मैसेज किया था कि भाई मिलते हैं यार, मुझे तेरा काम बहुत पसंद है यार। वो भी बोले कि आयुष भाई मुझे भी तुझसे बहुत टाइम से मिलना था, मिलते हैं। और अभी हम एक ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम साथ में एक दूसरे की हेल्प करें ग्रो करने में।
तो कल मैंने उसको एक मैसेज किया और इतनी ज्यादा हेल्प हो गई, बिलीव में उससे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ मेरे टाइप का भी कोई बंदा है और मूड एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा। मैं 3 बार उसके बारे में सोचा हूँ और आज मुझे मिलना भी है उससे। तो यप, इट हेल्प्स अ लॉट दूसरे लोगों से मिलना, दूसरों का पर्सपेक्टिव लेना, खुशियाँ बांटना, दुख बांटना, बहुत अच्छा फील होता है। तो उससे भी आपके एनर्जी लेवल्स बने रहते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे बने रहते हैं। ट्राई ज़रूर करना।